हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग जटिल जो मेथड्स हैं, जटिल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बेहतरीन छोटी छोटी प्यारी प्यारी ट्रिक्स आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। ये जो ट्रिक्स हैं, ये आपको कंसेप्ट्स को, मेथड्स को और बड़े बड़े जो आपके साइंस में, बायोलॉजी में जो जटिल जटिल नाम होते हैं, उनको याद करने में आपकी हेल्प करेंगी। और इनको आप घूमते फिरते, खेलते कूदते, खाना बनाते, जैसे चाहें मजे मजे में आप इन्हें याद कर पाएंगे। तो आज की जो ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, इस ट्रिक में हम जंतु जगत के जो फाइलम है, जंतु जगत के जो संघ हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एनिमल क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूं कि बायोलॉजी में अगर सबसे खतरनाक किसी टॉपिक को बच्चा समझता है तो एनिमल क्लासिफिकेशन है। और जनरल साइंस में एनिमल क्लासिफिकेशन पहले तक ना कोई पढ़ता था ना कोई पढ़ाता था। हमने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। और आज मैं जंतु जगत के जितने भी फाइलम हैं, जिनमें आपने पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एसके हेलमेंथिज, प्लेटी हेलमेंथिज, कॉर्डेटा वगैरह, ये नाम सुने होंगे, इन सबकी एक प्यारी ट्रिक जिसमें आप बेसिक से एडवांस लेवल तक इस चीज को समझेंगे। यानी हम लोग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, विकास के हिसाब से, कि कैसे 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 जंतु जगत कम विकसित जंतुओं से, लेस डेवलप्ड प्रिमिटिव एनिमल से और हाईली डेवलप्ड एनिमल्स तक जाता है। तो विकास के बढ़ते हुए क्रम में हम जंतु जगत के, एनिमल किंगडम के फाइलम्स को इस ट्रिक में पढ़ेंगे। तो आइए मैं ट्रिक तक आपको लेकर जाता हूं। तो ट्रिक जो हमारी है, देखिएगा, ये रही हमारी ट्रिक दोस्तों। जंतु जगत के फाइलम्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नाम मिलेगा पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिज, एसके हेलमेंथिज, एनालिडा, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। दोस्तों, कोडेटा में आते हैं रज्जू की। रज्जू की उनको कहते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी की जो प्रारंभिक अवस्था है, जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं, वो पाई जाए। तो कॉर्डेटा यानी रज्जू की उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें किसी भी लाइफ की स्टेज में, जीवन की किसी भी अवस्था में क्या पाई जाए, नोटोकॉर्ड पाई जाए या फिर विकसित रीढ़ की हड्डी पाई जाए। क्लियर। और कॉर्डेटा के अलावा ये जितने भी सारे हैं, इनको नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, ये आगे मैं समझा दूंगा। तो एक ट्रिक जो हमने डेवलप की, देखिएगा, पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया। दोस्तों समझिएगा, एक प्लेन है और उस प्लेन में बैठी है पुलिस और वहां से बजा रही है सीटी। तो पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया, भाई साहब वो हल्ला मचा दिया कि नीचे तक डिस्टरबेंस हो गया। तो औरतों के मोहल्ले ने ईंट मारकर हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कि भैया वो जो आवाज है, वो सीटी की आवाज लोगों को इतनी डिस्टर्ब कर गई कि औरतों का कोई मोहल्ला था, उन्होंने ईंट मार के हेलीकॉप्टर को क्या कर दिया, गिरा दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, पोलिस से पोरीफेरा, सीटी में सी से सीलेंट्रेटा, टी से टीनोफोरा, प्लेन से भैया प्लेटी हेलमेंथिज, ऐसा से एसके हेलमेंथिज, अनुनाद से एनालिडा, बड़े प्यार से, औरतों से ऑर्थ्रोपोडा, मोहल्ले से मोलस्का, ईंट से इकाइनोडर्मेटा, हेलीकॉप्टर से हेमिकॉर्डेटा और को से भैया कॉर्डेटा। तो कैसे याद करेंगे, पुलिस की सीटी ने प्लेन से ऐसा अनुनाद किया कि औरतों के मोहल्ले ने ईंट मारकर हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। बड़े घूमते फिरते याद कर लीजिए, पोसे पुलिस से पोरीफेरा, सीटी में सी से सीलेंट्रेटा, टी से टीनोफोरा, प्लेन से भैया प्लेटी हेलमेंथिज, ऐसा से एसके हेलमेंथिज, अनुनाद से एनालिडा, औरतों से ऑर्थ्रोपोडा, मोहल्ले से मोलस्का, ईंट से काइनोडर्मेटा और हेलीकॉप्टर से हेमिकॉर्डेटा और को से भैया क्या बन जाएगा, कॉर्डेटा। क्लियर, बहुत इजीली समझ गए। कॉर्डेटा को कशेरुकी या रज्जुकी कहा जाता है। कॉर्डेटा को क्या बोला जाता है, रज्जुकी या कशेरुकी भी आप कह सकते हैं। और इसको छोड़ के जितने भी ये सारे हैं, यहां तक कॉर्डेटा से पहले, इनको अकशेरुकी, नॉन वर्टिब्रेट्स, या फिर इनको नॉन कॉर्डेटा, अरज्जुकी कहा जाता है, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और इनकी कुछ विशेषताएं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर फाइलम की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, एक विशेष पहचान है और कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जाम्स में घूम फिर के आते हैं।
आगे और भी ट्रिकी वीडियोस में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड लेकर आऊंगा वीडियो, लेकिन पहले मैं आपको कुछ विशेषताएं और कुछ इनके बारे में जानकारी। देखिए सबसे पहले पोरी फेरा, दोस्तों पोर का मतलब ही होता है छिद्र, पोरी, पोर का मतलब क्या है? छिद्र। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि छिद्रित शरीर किन जंतुओं का पाया जाता है या किन जंतुओं का शरीर जो होता है वो छिद्रधारी होता है। पोरी फेरस, फेरस का मतलब होता है धारण करने वाला और पोरी का मतलब छिद्र। तो याद रखिएगा छिद्रधारी शरीर किनका होता है दोस्तों? पोरी फेरा का। और इनके छिद्रों में एक विशेष प्रकार का जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये जल के माध्यम से इनके अंदर जो खनिज लवण है, भोजन है, शिकार है, वो इनके अंदर जाता है और छिद्रों के माध्यम से वो निकल जाता है। क्लियर? अच्छा, स्पंज जो है पोरीफेरा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं को स्पंज कहते हैं। ये समुद्र में गहराई में पाए जाते हैं, चिपके हुए होते हैं धरातल से। क्लियर? जब बात करेंगे सीलेंट्रेटा, तो दोस्तों सीलेंट्रेटा में विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको दंश कोशिकाएं या निडोब्लास्ट कहते हैं। ये सीलेंट्रेटा की खास विशेषता है। और सीलेंट्रेटा में एग्जाम्पल में आपको नाम मिलेगा हाइड्रा और जेलीफिश। हाइड्रा बहुत आता है एग्जाम्स में। हाइड्रा किस फाइलम का एनिमल है? सीलेंट्रेटा। और जेलीफिश दोस्तों काफी नाम आता है। आगे एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें बताऊंगा कौन कौन असली मछलियां हैं, कौन कौन नकली मछलियां हैं। तो ये जेलीफिश जो है वो वास्तविक मछली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो किसमें आ रही है? सीलेंट्रेटा में आ रही है। जबकि जो वास्तविक मछलियां हैं वो किसमें आती हैं? वो पिसीज वर्ग में आती है, कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा में पिसीज क्लास के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा। टीनोफोरा, दोस्तों टीनोफोरा संघ के जो जंतु होते हैं इनको समुद्री अखरोट के नाम से, सी वॉलनट के नाम से जाना जाता है। और इनके शरीर की विशेषताएं, इनके अंदर कॉम्ब प्लेट्स, कंघे के जैसी प्लेट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कंघे के जैसी प्लेट्स, कॉम्ब प्लेट्स। इसी तरह प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस संघ के जंतुओं को चपटे क्रमी फैट बॉर्म बोला जाता है, फ्लैट वॉर्म। और इसमें एग्जाम्पल है फैसियोला और टीनिया। फैसियोला को लीवर फ्लू कहते हैं, यह आपकी लीवर में रोग पैदा करने वाली कृमि है। और टीनिया सोलियम आपकी आंतों में डिजीज करता है, जिसको बोलते हैं टीनियसिस। क्लियर? एसके हेलमेंथिस संघ के जंतुओं को गोल कृमि या सूत्र कृमि कहते हैं। और इनमें एस्केरिस फेमस है। एस्केरिस हमारी बॉडी में एस्केरियसिस नाम की बीमारी पैदा करता है। जब बात एनालिडा की करेंगे तो दोस्तों एनालिडा में एक वर्ड है एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब होता है वलयुक्त शरीर। इनके शरीर पर क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है, गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं ऊपर। और इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, केंचुआ, जिसको किसान का दोस्त कहते हैं, अर्थवर्म, जोंक जो कि आपको पता है चिपक जाती है, और नेरी जो है ये भी आपके किसमें आती है। तीन नाम बड़े फेमस है एनालिडा में। क्लियर? तो केंचुआ, जोंक, नेरीज किसमें आते हैं दोस्तों? एनालिडा। ऑर्थ्रोपोडा, संधिपाद, पाद को बोलते हैं उपांग। इनके जो उपांग है, इनके जो पैर हैं, वो अंदर से जॉइंट रहते हैं। तो इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्थ्रोपोडा को जॉइंट अपेंडेजेस, संधियुक्त उपांग। इनके जो पैर हैं वो जॉइंट रहते हैं। और ऑर्थ्रोपोडा में सारे के सारे इंसेक्ट, कीट और क्या आता है? कॉकरोच। ये फेमस है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं लेकिन जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो जितने भी कीट हैं साथ में साथ कॉकरोच किसमें आता है? ऑर्थ्रोपोडा में। मोलस्का, मोलस्का संघ की विशेषता है मृदु कवची। इनका जो कवच होता है बॉडी का वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें आते हैं कौन कौन? ऑक्टोपस, जिसको बेताल मछली, डेविल फिश कहते हैं दोस्तों। अकशेरुकियों में सबसे डेवलप्ड ब्रेन किसमें पाया जाता है? ऑक्टोपस में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिस्टम शुरू हाइड्रा से हुआ था, लेकिन हाइड्रा में क्या नहीं था? मस्तिष्क नहीं था। क्लियर? मस्तिष्क की शुरुआत चपटे कृमियों से हुई। और चपटे कृमियों में एक कृमि है जिसका नाम है दोस्तों, चपटे कृमियों में एक कृमि है जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया से किसकी शुरुआत हुई थी बताइए? मस्तिष्क की शुरुआत हुई थी। मस्तिष्क बनने की शुरुआत प्लेनेरिया से। नर्वस सिस्टम का स्टार्ट हाइड्रा से, मस्तिष्क बनने की शुरुआत प्लेनेरिया से। और सबसे विकसित मस्तिष्क किसमें होता है? ऑक्टोपस में। तो घोंगा, पर्ल ओएस्टर, जिससे मोती प्राप्त होता है, सीपी और ऑक्टोपस, इनमें ये किसमें आते हैं? मोलस्का में। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के जंतुओं में त्वचा कैसी पाई जाती है? शूलयुक्त। त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टारफिश, तारा मछली। स्टारफिश को क्या बोलते हैं? तारा मीन या तारा मछली। तो तारा मछली भी वास्तविक मछली नहीं है, ये भी कूट मछली है, स्यूडोफिश है, रियल मछली नहीं है। हेमिकोडेटा, इनको आधे रज्जू की बोलते हैं दोस्तों, यानी ये वो संघ है, क्वेश्चन आता है, जिसको पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, बाद में नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया। कॉर्डेटा में क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों इनके सिर में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और नोटोकॉर्ड का पाया जाना कॉर्डेटा की विशेषता है, लेकिन बाद में
हटा दिया गया हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा की लिस्ट से, क्लियर। तो याद रखेंगे हेमिकॉर्डेटा को आधे रज्जु की, हेमी मतलब आधा, कॉर्डेटा मतलब रज्जु की। अब बात आती है दोस्तों कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में क्या पाया जाता है, रज्जुक पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और नोटोकॉर्ड जो है किसी किसी में, ये नोटोकॉर्ड किस में बदल जाती है, ये विकसित रीढ़ की हड्डी में वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है। और वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है उन जंतुओं को वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी, जिनमें डेवलप्ड वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, क्लियर। और दोस्तों रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है उनकी पांच क्लास हैं, पांच वर्ग हैं, जिनमें कौन कौन है, पिसीज में आती है मछलियां, एम्फीबिया में आते हैं उभयचर मेंढक वगैरह, रेप्टाइल्स में आते हैं सरीसृप सांप छिपकली, एवीज में आते हैं पक्षी, और मैमल्स में आते हैं स्तनधारी जिसमें मानव आता है, क्लियर। तो ये वो एक जानकारी है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एनिमल किंगडम को सरसरी नजर से देख सकते हैं। ट्रिक के द्वारा हमने एक डेवलपमेंट की बात करी, और ट्रिक में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो आपको मैंने डिलीवर करी है कि दोस्तों पोरीफेरा में, देखिएगा समझाता हूं, पोरीफेरा में शरीर संगठन कोशिका स्तर का है, यानी पोरीफेरा में केवल कोशिकाएं पाई जाती थी, कोशिका के आगे कुछ नहीं पाया जाता। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ऊतक स्तर का शरीर संगठन है, यानी इनके अंदर कोशिकाओं ने क्या बनाना चालू कर दिए थे, ग्रुप बनाकर टिश्यू बनाना चालू कर दिए थे। मतलब पोरीफेरा में केवल सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स ने ग्रुप बनाकर टिश्यू नहीं बनाए थे। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम आ गया, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऊतक स्तर का शरीर संगठन आ गया। प्लेटी हेलमेंथिज में अंग स्तर का शरीर संगठन आ गया, पहली बार अंगों का निर्माण कहां होने लगा, प्लेटी हेलमेंथिज में होने लगा। और प्लेटी हेलमेंथिज के बाद जितने भी आते हैं उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम टाइप का डेवलपमेंट है, अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन है। यानी प्लेटी हेलमेंथिज के बाद जितने भी फाइलम आते हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, यानी उनके शरीर में अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र वगैरह। तो याद रखिएगा पोरीफेरा में कोशिका स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का, कोशिकाओं ने ग्रुप बनाए, टिश्यूज ने ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनाए प्लेटी हेलमेंथिज के अंदर, और उसके बाद सबके अंदर बाकी जितने भी हैं इन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम टाइप का, अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। उम्मीद करता हूं छोटा सा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आप जंतु जगत को बहुत ही सरसरी नजर से इस प्रकार देख पाए होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आप इस ट्रिक की हेल्प से कर सकोगे। साथ ही साथ आपको छोटे छोटे जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं वो भी आपको यहां से याद हो पाएंगे। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपके लिए अब लेकर आने वाले हैं दोस्तों, तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। कैसी लगी ट्रिक, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे तब जब नेक्स्ट ट्रिक आपकी आएगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।